आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी, इम्पोर्टेड हुकूमत से छुटकारे के दिन करीब आने लगे। आम इंतखाबात का बगल 6 से 8 हफ्तों में बच सकता है। इमरान खान की परवेज इलाही से मुलाकात की अंदरूनी इम्पोर्टेड हुकूमत का वक्त खत्म होने को है। साजिशों से अवाम की जान जल्द छूटने वाली है। कप्तान ने बड़ी खबर सुना दी। आइंदा इंतखाबात का इनेकाद 6 से 8 हफ्तों में मुतवक्का। इमरान खान ने हिकमत अमली तैयार कर ली। पार्टी जिम्मेदारों को इलेक्शन के तैयारियों की हिदायत कर दी। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अरकान असेंबली को नए इंतखाबात के लिए अहम टास्क सौंप दिया। इमरान खान ने अपने दौरे लाहौर के मौके पर वजीर आला पंजाब और दीगर अरकान से मुलाकातें की और कहा कि तंजीमें मुकम्मल की जाएं ताकि इंतखाब में भरपूर अंदाज में हिस्सा लिया जाए। कप्तान की वजीर आला पंजाब और दीगर अरकान से मुलाकात की कहानी सामने आ गई। उन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 2 हफ्तों में तंजीम साजी का अमल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इस मौके पर वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने लोटों के खिलाफ इमरान खान की सियासी बसीरत की तारीफ की, जबकि कप्तान ने भी परवेज और मोनस इलाही को डटे रहने पर खराज तहसीन पेश किया। साथ ही चेयरमैन PTI ने 25 मई को होने वाली बर्बरियत याद दिलाते हुए कहा कि जिन्होंने चादर और चार दीवारी तकद्दुस पामाल किया, कानून उनके हवाले से रास्ता इख्तियार करेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम है कि किन लोगों ने उनके साथ 2 नंबरी की है, लेकिन वो सबके सामने किसी का नाम नहीं लेना चाहते। इमरान खान ने अरकान को पंजाब के मसाइल हल करने का भी टास्क सौंप दिया और कहा पंजाब के अवाम का मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल होने चाहिए। उनका कहना था कि अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम तर काविशें बरोए कार लाई जाएं।